नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री के सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें, जो लेकर एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आपके पसंदीदा सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ खबरें, जिनमें पहली खबर आपके पसंदीदा सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी है। पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह दीपावली के अवसर पर रिलीज हो रही है। तो अगर आप भी पवन सिंह की किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे, तो वो दिन अब बेहद करीब है, जब पवन की मां तुझे सलाम के बाद दूसरी फिल्म रिलीज होगी। इसके अलावा दीपावली से लेकर छठ तक बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर पवन का कब्जा रहने वाला है, क्योंकि दीपावली के अवसर पर जहां पवन सिंह की शेर सिंह रिलीज हो रही है, तो वहीं छठ पूजा के अवसर पर मैंने उनको सजन चुन लिया फिल्म रिलीज होगी, जिसमें पवन सिंह के साथ काजल राघवानी नजर आएंगी। दोनों की जोड़ी को पहले बहुत पसंद किया जाता रहा है, लेकिन लंबे समय से दोनों साथ नजर नहीं आए थे और एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगली खबर जुड़ी है इंडस्ट्री के महानायक मनोज तिवारी से। सालों बाद मनोज का भोजपुरी में एक देवी गीत आया है, धमवा में अह गाने के बोल हैं। ज़्यादा लोग नहीं देख पाए क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है, वो अगर मनोज के गानों का इंतज़ार कर रहे थे भोजपुरी गानों का, तो वो इस गाने को ज़रूर सुने। निरहुआ ने भी मनोज के इस गाने को शेयर करते हुए उनकी खूब तारीफ की है। बहुत मीठी आवाज़ में मनोज ने उस गाने को गाया है। अगली खबर अक्षरा सिंह से जुड़ी है। शोला सिंगार के हुए अक्षरा लाइव आई बीती रात, जहां उन्होंने अपने गाने का प्रमोशन किया। उनका तलवार दे दिया गाने का वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। सभी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने आग्रह किया है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली खबर पवन सिंह से जुड़ी है। पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह के लिए पवन को तो पहले ही साइन कर लिया गया था, लेकिन इस फिल्म के लिए हीरोइन डिसाइड नहीं की गई थी। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले तक इस फिल्म की हीरोइन कौन होगी, इसका पता फिल्म मेकर्स डायरेक्टर्स किसी को नहीं था, लेकिन पवन सिंह के कहने पर आम्रपाली को इस फिल्म में साइन किया गया। और 3 दिन पहले ही आम्रपाली को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था और आम्रपाली ने हामी भी भर दी पवन के साथ काम करने के लिए। और ये दोनों जोड़ी आपको ये जोड़ी जल्द ही देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में दीपावली के अवसर पर। तो अभी तक जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं, उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नज़र। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं और कई सारी फिल्मों की शूटिंग को पवन पूरा कर चुके हैं, जो आने वाले समय में रिलीज भी हो जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह पहले दशहरे के मौके पर रिलीज होने वाली थी, खेसारी और चिंटू की फिल्मों के साथ। लेकिन बीते दिन पहले इस फिल्म का एक प्रमोशनल सॉन्ग शूट किया गया है, जिससे ये तो अंदाज़ा लग ही चुका था कि इस फिल्म की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए इस फिल्म की डेट को भी पीछे खिसका दिया गया है। और अब सुनने में आया है कि पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह को दीपावली के शुभ अवसर पर रिलीज़ किया जा रहा है। तो दीपावली पर पवन के फैंस के लिए पवन की ये नई फिल्म किसी गिफ्ट से कम नहीं होगी। वेल, इन दिनों त्योहारों पर फिल्मों को रिलीज़ करने का जो ट्रेंड सेट किया गया है, वो फिल्म मेकर्स को कितना फ़ायदा पहुँचाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पावर स्टार और अपनी गायकी से लोगों को दीवाना बना देने वाले पवन इन दिनों इश्क पर जोर नहीं की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन पवन की कौन सी फिल्म रिलीज़ होगी, कब होगी, इस पर सभी की नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से पवन की फिल्म की रिलीजिंग डेट आने के बाद बदल दी जाती है। और एक कारण ये भी है कि काफ़ी समय से पवन की कोई अच्छी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में दीपावली से लेकर छठ तक बॉक्स ऑफिस पर पवन सिंह का कब्जा रहने वाला है। जी हाँ, इसलिए पवन की जल्दी ही एक फिल्म आने वाली है। उस फिल्म का नाम है शेर सिंह, जो दीपावली के मौके पर रिलीज होगी। और इसके बाद लगातार पवन की फिल्म छठ के मौके पर भी रिलीज होगी, जिसमें पवन के साथ काजल पहली बार नजर आएंगी काफी समय के बाद। इस फिल्म का नाम है मैंने उनको सजन चुन लिया, जो दो फिल्में बैक टू बैक रिलीज होंगी बॉक्स ऑफिस पर। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अगर पवन की फिल्में सिनेमाघरों में लगती हैं तो दर्शक कहीं और नहीं जाते, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार दीपावली से लेकर छठ तक बॉक्स ऑफिस पर पवन का कब्जा रहने वाला है। फिलहाल पवन सिंह की फिल्म मां तुझे सलाम को कई सिनेमाघरों में 52 दिन गुजर रहे हैं और अभी भी ये फिल्म कई सिनेमाघरों में लगी हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।
भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने फेसबुक से भोजपुरी के बड़े स्टार मनोज तिवारी का एक देवी गीत को शेयर किया है, जिस देवी गीत का नाम है धमवा में अय्या, जिसे 3 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया था और उसे उसी दिन निरहुआ ने अपने इस गाने को शेयर किया, क्योंकि मनोज तिवारी का ये गाना निरहुआ को काफी ज्यादा शायद पसंद आया है। वैसे भी निरहुआ हमेशा से मनोज तिवारी को अपना बड़ा भाई मानते आए हैं और उनके गाने और उनकी फिल्मों को निरहुआ काफी ज्यादा पसंद करते आए हैं। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि मनोज तिवारी ने काफी लंबे अरसे के बाद कोई गाना रिलीज किया है, नहीं तो वो इंडस्ट्री से संन्यास लेकर के पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो चुके थे और वो पूरी तरह से राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा में लगे चुके थे। वेल, आप लोगों को बताना चाहेंगे मनोज तिवारी की बहुत जल्द एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, जिस फिल्म का नाम है बनारसी पान भंडार, जिसकी चर्चा काफी समय पहले से ही हो रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों की मृगनयनी अक्षराज सिंह इन दिनों अपने नए नए गानों को लेकर खूब चर्चाओं में बनी हुई हैं। उनके हर गानों को दर्शकों का खूब सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही अक्षरा के सिंदूर की चर्चाएं भी हर जगह आजकल खूब हैं। अपने बर्थडे पर अक्षरा सिंह सिंदूर लगाई हुई नजर आई, तो वहीं बीती रात अक्षरा अपने ऑफिशियल अकाउंट से हमेशा की तरह लाइव आई, जब अक्षरा ने सिर्फ सिंदूर ही नहीं बल्कि पूरे 16 सिंगार किए हुए थे। हालांकि अक्षरा ने यह सब सिर्फ अपने एल्बम की शूटिंग के लिए श्रृंगार किया था। वह श्रृंगार से याद आया कि अक्षरा ने लाइव आकर ये भी कहा है कि उनका एक नया गाना आया है, जिसके बोल हैं हम के अपन तलवार दे दा। इसका ऑडियो सॉन्ग पहले रिलीज किया गया था, लेकिन बीते दिन पहले इसका वीडियो सॉन्ग भी रिलीज कर दिया गया है। अक्षरा ने इस गाने को गाने के पीछे का सच बताते हुए कहा है कि लड़कियों के लिए स्पेशल ये मैंने गाना गाया है ताकि सभी को पसंद आ सके, जिसका ऑडियो से ज़्यादा दर्शकों के बीच वीडियो पसंद किया जाएगा, ये मेरा दावा है। तो अगर आप भी अक्षरा सिंह के इस चंडी वाले अवतार और रूप को वीडियो में देखना चाहते हैं तो वेब म्यूजिक पर सर्च करके आप ये गाना आसानी से सुन सकते हैं। 4 घंटे पहले रिलीज हुए इस गाने को बहुत अच्छे खासे व्यूज मिले हैं। इसी गाने का प्रमोशन करने अक्षरा रात लाइव आई और अक्षरा ने अपने फैंस खासकर लड़कियों से भी इस गाने का प्रमोशन करवाया। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी नई नई फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, क्योंकि वो एक साथ रांची में अपनी दो दो फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में हर त्योहार के मौके पर आप लोग पवन की फिल्मों को सिनेमाघर में देख पाएंगे। उनके सबसे पहले आने वाली फिल्म का नाम है शेर सिंह, जो रिलीज होगी दीपावली के मौके पर। जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार इस फिल्म में पवन के साथ आम्रपाली दुबे नजर आएंगी। वेल, बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग होने से 3 दिन पहले ही आम्रपाली को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, वो भी पवन के कहने पर। पवन ने ही फिल्म मेकर्स को आम्रपाली को अपने इस फिल्म में साथ लेने की सलाह दी थी और कभी निरहुआ के अलावा किसी और के साथ नजर ना आने वाली आम्रपाली ने पवन का नाम सुनते ही एक झटके में फिल्म मेकर्स को हाँ भी कर दिया। इस फिल्म को लेकर ऐसे दावे अभी से किए जाने लगे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित होगी। फिल्मी पंडितों का मानना है कि ये फिल्म ना सिर्फ सुपर हिट होगी बल्कि अच्छा व्यवसाय भी कर सकती है, क्योंकि दोनों स्टार इंडस्ट्री के बड़े माने दिग्गज सितारे माने जाते हैं और पहली बार ही दोनों इस फिल्म में साथ नजर आएंगे। इससे पहले दोनों का एक गाना भी जबरदस्त यूट्यूब पर हिट हो चुका है, जिस गाने के बोल थे राते दिया बुता के। तो देखना ऐसे में दिलचस्प होने वाला है कि फिल्म पंडितों की राय और दर्शकों के ये दावे सच हो पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज से बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में गुंजन सिंह और अंजना सिंह स्टारर फिल्म खुद्दार रिलीज हो चुकी है। पिछले 6 दिनों में इस फिल्म के प्रमोशन में बड़े जोरों शोरों से फिल्म की पूरी टीम लगी हुई थी। बिहार झारखंड में इस फिल्म को पहले दिन बड़ी कामयाबी मिली है। सुनने में आया है कि बिहार में गुंजन के इस फिल्म को पहले दिन 32 सिनेमा सेंटर मिले हैं और जिन जिन सिनेमाघरों में फिल्म लगी है उसे दर्शकों का अथाह प्यार मिला है। अभी भी गुंजन और निशा दुबे के साथ कई सिनेमा सेंटरों में जाकर इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पहला शो हाउसफुल होने के बाद गुंजन बहुत खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशी अंजना में देखने को मिली है, क्योंकि उनकी 3-3 फिल्में इन दिनों सिनेमाघरों में बखूबी जोरों शोरों से आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। तो आज के इस सुपरस्टार स्पेशल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम में होगी मुलाकात ऐसे ही सुपरस्टारों से जुड़ी तमाम खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।